बीते दिनों विभागीय आयुक्त कार्यालय और मनपा प्रशासन इन दो अलग जगह के कोरोना मृत्यु की संख्या में अंतर देखा गया था, जिस पर प्रशासन से जवाब भी मांगा गया। इस बात को अब 5 दिन बीत चुके हैं और अब भी यह सवाल ही है। बहरहाल मनपा प्रशासन इस मृत्यु संख्या के अंतर का जवाब देने में नाकाम रही। प्रशासन की ओर से लापरवाही के मामले अब जैसे आम बात हो गई। हर दिन किसी न किसी लापरवाही के चलते प्रशासन अब लाइमलाइट पर होती है। इस बार मसला कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़ों का है, जिसमें अंतर पाया गया। जानकारी के अनुसार 26 सितंबर की संख्या के अनुसार महानगरपालिका की सूची में नागपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1999 दर्ज की गई थी, तो वहीं विभागीय आयुक्त कार्यालय की सूची में 26 सितंबर को ही कोरोना से मरे मरीजों का आंकड़ा 1711 दर्ज हुआ है। इस तरह कोरोना संख्या की मृत्यु में 288 मृत्यु के आंकड़ों का अंतर देखा गया, जिसका जवाब प्रशासन से मांगा गया और जवाब देने में प्रशासन असमर्थ है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच अब भी जारी है। शहर में रोज होने वाले मृत्यु की दर, जांच की दर, एक्टिव मरीज, ठीक हुए मरीज की सूची रोज विभागीय आयुक्त कार्यालय और मनपा द्वारा दर्ज की जाती है, लेकिन 22 सितंबर को आए सूची में 288 का अंतर पाया गया। प्रशासन की ढीली प्रणाली को देखते हुए कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उपराजधानी का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकारी अस्पतालों में जाकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्र परिषद लेकर किए गए नए बदलाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि अस्पतालों में जगह की कमी नहीं है, इसलिए जम्बो बेड वाले अस्पताल की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। टोपे द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यवस्था प्रणाली को फटकार भी लगाई गई। टोपे 23 और 24 सितंबर को विदर्भ के दौरे पर थे, इस दौरान ही यह आंकड़ों में अंतर का मामला सामने आया, लेकिन 5 दिन होने के बावजूद भी प्रशासन इस भ्रम को दूर करने में नाकामयाब रही है। शहर में अब तक कितनी मृत्यु हो चुकी है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। जिला शल्य चिकित्सक से दूरध्वनि से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह का प्रतिसाद नहीं मिला। NBC न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।